वेलकम स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ कंपनी में हम आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 21, आर्टिकल्स सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी पार्ट नंबर 20 में थ्योरी ऑफ कंपनी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और उसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम बात करेंगे कि आर्टिकल्स जो होते हैं कंपनी के, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोज़ में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है, तो वो मेमोरेंडम के सबऑर्डिनेट क्यों होते हैं, क्या पॉइंट है कि वो मेमोरेंडम के सबऑर्डिनेट होते हैं, क्या रिलेशन है इसका मेमोरेंडम के साथ सबऑर्डिनेट होने का, यानी कि मेमोरेंडम्स के अंदर क्यों आता है ये, मेमोरेंडम का ये सुपीरियर क्यों नहीं है। तो कुछ बातें ऐसी है जो आर्टिकल्स के बारे में कंपनी लॉ के अंदर डिस्क्राइब करेगी है, तो वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर ये बताया गया है कि आर्टिकल क्या है, एक सबऑर्डिनेट है किसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। यानी कि जो आर्टिकल्स होते हैं कंपनी के, डॉक्यूमेंट होते हैं आर्टिकल्स, वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, जो कंपनी के पावर एंड स्ट्रक्चर को बताते हैं, उसके यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी कि उसके सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड होने का मतलब ये है कि उसके सबऑर्डिनेट के अंदर आते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी आर सबऑर्डिनेट टू एंड सब्जेक्ट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर में और उसके सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एनी क्लॉज इन द आर्टिकल्स गोइंग बियॉन्ड द मेमोरेंडम विल बी अल्टरवाइज। अगर कोई भी आर्टिकल मेमोरेंडम के बियॉन्ड, यानी कि मेमोरेंडम के सर्कल से बाहर जाता है, मेमोरेंडम के अंदर नहीं आता है, तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। अल्ट्रा वायरस का मतलब वॉइड, यहाँ पे इलीगल कहलाएगा। ये कंपनी लॉ के अंदर मेंशन है कि अल्ट्रा वायरस क्या कहलाता है, इलीगल चीज़ यहाँ पे कहलाई जाएगी अगर यहाँ पे मेमोरेंडम जो होगा, वो आर्टिकल जो होगा वो मेमोरेंडम को क्रॉस करता है। तो द आर्टिकल्स आर ओनली इंटरनल रेगुलेशन ओवर विच मेम्बर ऑफ द कंपनी हैव फुल कंट्रोल एंड मे अल्टर दैम अकॉर्डिंग टू वॉट दे थिंक फिट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल इंटरनल रेगुलेशन को कंपनीज के इनसाइडर्स के द्वारा प्रोटेक्ट और प्रमोट करा जाता है, और यहाँ पे कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनका फुल कंट्रोल रहता है, ये सबसे बड़ी बात है। उसको चेंज यहाँ पे अल्टर यानी कि चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थर्ड पॉइंट में डिस्क्राइब कर रखा है कि आर्टिकल सबऑर्डिनेट इसलिए मेमोरेंडम का, क्योंकि आर्टिकल इंटरनल चीज़ों को बताता है, इंटरनल रेगुलेशन को बताता है, और कंपनी के जो इनसाइडर्स होते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, उनका प्रॉपर फुल कंट्रोल होता है आर्टिकल पे, जो ये चाहते हैं कि अगर चेंज करना हो तो वो इजीली चेंज कर सके। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि अल्टर भी कर सकता है देम अकॉर्डिंग टू व्हाट दे फिट। ये जब भी सोचे कि अल्टर कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उसको अल्टर यानी कि चेंजेस कर सकते हैं। आर्टिकल डेट गो बियॉन्ड द कंपनी स्पेयर ऑफ एक्शन आर इन ऑपरेटिव, यानी कि जो कंपनी के बियॉन्ड, कंपनी के स्पेयर, कंपनी के सर्कल से बाहर जाएगा, कंपनी के एरिया से बाहर जाएगा, वो यहाँ पे इन ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेटिव नहीं होगा। तो आर्टिकल्स जो बताया गया है वो सिर्फ कंपनी के स्पेयर में रहकर बताया गया है। आर्टिकल कंपनी के स्पेयर को डिफाइन करता है, कंपनी के सर्कल को, इनसाइडर को डिफाइन करता है, जबकि मेमोरेंडम कंपनी के पावर स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा कि आर्टिकल यहाँ पे किस तरीके से मेमोरेंडम के अंडर में आता है। आर्टिकल का रिलेशन क्या है मेमोरेंडम के साथ, आर्टिकल का रिलेशन मेमोरेंडम के साथ समझने से पहले हम मेमोरेंडम आर्टिकल को दोनों को समझ लेते हैं। मेमोरेंडम फंडामेंटल कंडीशन बताता है, मेमोरेंडम ये बताता है कंपनी का रिलेशन क्या है क्रेडिटर्स से, मेमोरेंडम ये बताता है कंपनी का रिलेशन क्या है स्टेक होल्डर, आउटसाइडर से, गवर्नमेंट से, शेयर होल्डर से, किस तरीके का रिलेशन है, मेमोरेंडम ये डिफाइन करता है। मेमोरेंडम पावर एंड स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कंपनी की, फंडामेंटल कंडीशंस को डिफाइन करता है। मेमोरेंडम बेसिक ऑपरेशंस को डिफाइन करता है कंपनी के, कि आउटसाइडर के साथ इनसाइडर का क्या रिलेशन है, जबकि आर्टिकल आर इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या है, इंटरनल रेगुलेशन है कंपनी के, जो इंटरनल इनसाइडर्स को की थिंग्स को बताते हैं। सो आर्टिकल और मेमोरेंडम में डिफरेंस है कि इंटरनल और आउटसाइडर्स का, इनसाइडर और आउटसाइडर का। सो इन एनी केस इट एज इट सीम्स टू मी आई सर्टेन डेट फॉर एनी थिंग विच द एक्ट ऑफ ए पार्लियामेंट सेज शैल बी द मेमोरेंडम
यू मस्ट लुक मेमोरेंडम अलोन। अगर दोनों में से हमें किसको देखना हो, यानी कि दोनों के अंदर का कन्फ्लिक्ट हो मेमोरेंडम और आर्टिकल में, तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ के अंदर ये देखेंगे कि मेमोरेंडम आर्टिकल में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कंपनी के मेमोरेंडम को माने या आर्टिकल को माने, तो हमेशा ऑब्वियसली हमें मेमोरेंडम को ही फॉलो करना है और मेमोरेंडम को अलोनली ही मानना यहाँ पे पड़ेगा। सो यहाँ पे आर्टिकल का रिलेशन क्या है, सबॉर्डिनेट है मेमोरेंडम के, और यहाँ पे अगर कोई इश्यूज होता है तो वहाँ पे हम मेमोरेंडम को ही फॉलो करते हैं एज अ कंपनी के मेंबर और एज अ कंपनी से जुड़े हुए लोग जो होते हैं। सो आर्टिकल इंटरनल चीज़ों को बताता है जो मेमोरेंडम के अंदर आता है। हमने इसको एक बार सम अप कर लेते हैं, और मेमोरेंडम एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आर्टिकल इंक्लूड होता है कंपनी का। सो आज हमने बात करी एक आर्टिकल आर सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम, जो कंपनी के लॉग्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर करा जाता है। अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रॉपरली समझना है तो इस टॉपिक को ढंग से एक बार आपको वापस से रीड करना चाहिए। थैंक यू।